हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टॉपर्स पर। तो गाइस, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम एक पूरी सीरीज चला रहे हैं जहां पे डेली हम आपको करंट अफेयर्स की वीडियो देंगे, प्लस उसकी पीडीएफ भी आपको जो है अवेलेबल करवाएंगे। तो ये उसी वीडियो का पार्ट नंबर सेकेंड है। आज हम पढ़ेंगे 23 मार्च के जो करंट अफेयर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में। अब गाइज, एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई भी पेड कोर्स लेने का गाइज सोच रहे हैं तो सबसे अच्छा जो पेड कोर्स है वो अनअकैडमी के ऊपर अवेलेबल है। सबसे अच्छी उसकी ये बात है कि आप एक ही कोर्स के साथ एसएससी के सारे एग्जाम जो है वो टारगेट कर सकते हैं, चाहे एसएससी सीपीए हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे आपका एसएससी 10+2 जो आपका सीएचएसएल का एग्जाम होता है, वो सारे एग्जाम आप एक ही कोर्स के साथ टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गाइज एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे और सारे सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सारे एग्जाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो लोग पहले एसएससी के अंदर एक बहुत अच्छी रैंक सिक्योर कर चुके हैं वो सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। यहाँ पे आप जो है 1 साल 6 महीने या फिर 1 महीने के लिए अपने हिसाब से, जैसे भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप कोई कोर्स चूज कर सकते हैं। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको वहाँ पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको जो है डिस्काउंट कोड में वहाँ पे आपको टाइप करना है दर्शन तोमर, DARSHANTOMAR, जो कि मेरा नाम है, और वहाँ पे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। जितने भी लिंक्स हैं सारे लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको प्रेस कर दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो भी नई हम वीडियो डालेंगे आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और गाइज, जितने भी लिंक्स हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के, हमारे फेसबुक ग्रुप के, वो सब आपको जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, प्लस आप जो पीडीएफ है वहां से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड, पानी दिवस जो है विश्व पानी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 22 मार्च। तो गाइस, जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, उसने ये घोषित किया हुआ है कि 22 मार्च को हम लोग क्या मनाएंगे, वर्ल्ड वाटर डे। ये क्यों मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो फ्रेश वाटर है, जो पीने का पानी है, ठीक है, उसकी जो है गाइस जो क्वांटिटी है वो एकदम लिमिटेड है, वो एकदम अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है। तो उसकी जो है इंपॉर्टेंस जो है, उसकी जो महत्वपूर्णता है, उसको दिखाने के लिए कि इसको बिल्कुल वेस्ट ना किया जाए, इसको बचा के रखा जाए क्योंकि ये एकदम लिमिटेड है, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सबको पता है वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। अगर पानी नहीं होगा तो जीवन की भी जो है वो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जीवन भी जो है धरती के ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए गाइस ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को, आपको याद रखना है विश्व पानी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। और इस बार जो पानी दिवस मनाया गया है उसकी जो थीम थी, हर बार जो है पानी दिवस की थीम होती है, इस बार उसकी थीम है लीविंग नो वन बिहाइंड, मतलब किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, सबको साथ लेके जो है आगे बढ़ना है। और गाइज, इस बार जो है जो यूएन है उसने अपने कई सारे प्रोग्राम्स की जो थीम है वो रखी है लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट हो वो सभी का एक साथ हो, कोई भी जो है इसमें पीछे न छूट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु लॉन्च्ड शिक्षा वाणी ऐप, ठीक है, जो शिक्षा वाणी ऐप जो है जो अभी अभी जो है लॉन्च किया गया है, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। तो विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड शिक्षा वाणी ऐप, तो इसका सही जवाब है CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसने जो है शिक्षा वाणी ऐप को लॉन्च किया है। तो शिक्षा वाणी ऐप को गाइस क्यों लॉन्च किया गया है, इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज ये है जो भी गाइस जो भी कोई सीबीएसई कोई फैसला लेती है, कोई सर्कुलर जारी करती है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसको डायरेक्टली स्टूडेंट तक पहुंचानी होती है या फिर उसको डायरेक्टली पेरेंट्स तक पहुंचानी होती है, तो उसको पहुंचाना एक कठिन काम है, ठीक है, वो काम आसानी से हो पाए तो इसके लिए उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। बस जो भी स्टूडेंट है सीबीएसई का या उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको सिर्फ अपने फोन में इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो जब भी सीबीएसई को कोई इंफॉर्मेशन वहां तक पास करनी होगी वो सीधा इस ऐप के ऊपर उसको अपलोड कर देंगे और सारे स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स जो हैं उस ऐप से जो है उस इंफॉर्मेशन को ले पाएंगे, जो कि एकदम फ्री होगा, ठीक है, और बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा। आपको यहां से वहां से सुनने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और बहुत अच्छे से ये काम हो सकता है, एकदम एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन की जा सकती है। तो इसके लिए सीबीएसई ने ऐप लॉन्च किया है शिक्षा वाणी ऐप, ठीक है। अब सीबीएसई के बारे में थोड़ी सी बातें गाइस, तो सीबीएसई की जो चेयरपर्सन है वो है अनीता करवाल, ये एक आईएएस है, ठीक है, और सीबीएसई का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहां पर है, वो न्यू दिल्ली के अंदर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वॉट वॉज द वेन्यू ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स 2019, ठीक है, विच वॉज द वेन्यू ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स 2019, जो स्पेशल ओलंपिक 2019 है उनकी वेन्यू क्या थी या वो कहां पर हुए थे, तो उसका सही जवाब है अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है उसका एक ये शहर है अबू धाबी, वहां पे जो है स्पेशल ओलंपिक्स 2019 हुए थे, ठीक है। तो स्पेशल ओलंपिक्स जो 2019 के हुए हैं उनमें इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात यह रही है कि इंडिया ने वहां पे कुल मिला के 368 मेडल्स जो है वहां पे जीत लिए हैं, जिसमें से कि 85 इंडिया ने वहां पे गोल्ड जीते हैं, 85 गोल्ड यानी कि 85 गोल्ड जीते हैं, 154 सिल्वर मेडल जीते हैं, 154 सिल्वर मेडल जीते हैं, 129 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीत लिए हैं, 129 इंडिया ने वहां पे ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। अबू धाबी के अंदर जो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स जो हुए हैं, ठीक है, वो 14 मार्च को स्टार्ट हुए थे और वो 21 मार्च को जो है खत्म हो गए थे, ठीक है। और ये जो 2019 के जो ये स्पेशल ओलंपिक्स है, एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है, यहाँ पे जो है बहुत सारे खेल होते हैं, अलग अलग खेलों में जो है यहाँ पे प्राइज जो है दिए जाते हैं, और ये जो खेल हुए ये उनके लिए किए जाते हैं जो थोड़ा दिमागी रूप से जो थोड़े से चैलेंज लोग होते हैं उनके लिए ये गेम जो है किए जाते हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which country recently banned semi-automatic weapons and assault rifles? तो गाइज अभी कौन से देश ने जो सेमी ऑटोमेटिक हथियार होते हैं उनको बैन कर दिया है, उसके अलावा जो असॉल्ट राइफल्स होती हैं उनको भी बैन कर दिया है, तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। ऐसा क्यों हुआ है, आप सभी को पता होगा अभी थोड़े दिन पहले न्यूजीलैंड के अंदर एक ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति था, उसने जो है दो मस्जिदों के ऊपर हमला कर दिया था और वहां पे 50 से ज्यादा लोगों की उसने जान ले ली थी, तो इस वजह से जो है पीएम है जेसिंडा आर्डन, उन्होंने सेमी ऑटोमेटिक वेपन, जो सेमी ऑटोमेटिक हथियार हैं और जो असॉल्ट राइफल्स हैं उनको बैन कर दिया है, अब वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं हो पाएंगी वहां पे, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर एक ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति ने दो मस्जिदों के ऊपर हमला किया था जहां उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी और 50 से ज्यादा लोगों की उसने जान ले ली थी। अब बात करते हैं थोड़ी सी न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन, ठीक है, और न्यूजीलैंड की जो करेंसी है जो वहां का जो वहां पे जो पैसा चलता है वो है न्यूजीलैंड डॉलर, और जो न्यूजीलैंड की पीएम है वो है जेसिंडा आर्डन, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे कह रहा है, विच वर्ड हैज बीन एडेड टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इसका जो गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख रहा है, इसका सही क्वेश्चन होगा कि विच हिंदी वर्ड हैज बीन एडेड टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कौन सा हिंदी शब्द है जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर शामिल कर लिया गया है, तो इसका सही जवाब है, आपको जानकर थोड़ी हंसी भी आ सकती है, इसका सही जवाब है चड्डी, इसकी स्पेलिंग फिर से गलत यहाँ पे लिखी हुई है, CHADDI, चड्डी जो शब्द है उसको जो है शामिल कर लिया गया है, और इसका जो मतलब होगा, इसका मतलब होगा शॉर्ट्स, जो हम लोग शॉर्ट्स पहनते हैं, जो छोटे निकरम पहनते हैं उसके लिए इस वर्ड को यूज किया जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हिंदी वर्ड है जो अभी अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर शामिल किया गया है, उसका सही जवाब है चड्डी, ठीक है। अच्छा, और जो है इस साल का जो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया है वो किया गया है टॉक्सिक को, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, पॉइजनस, ठीक है। तो इस साल का जो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर है वो है टॉक्सिक, और हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर भी इस साल मिला है, और हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर मिला है नारी शक्ति को, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2018 में जो है इंडिया के अंदर मी टू कैंपेन बहुत जोरों शोरों से चला था, जहां पे कि बहुत बड़े बड़े नाम इसके अंदर लिप्त पाए गए थे, औरतें हैं उनको ताकत देने के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है उसी लिए नारी शक्ति को, ठीक है। और इससे पहले जो घोषित किया गया था वो था आधार, आधार को जो है इससे पहले जो है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जा चुका है, जो पहला हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था वो था आधार, और उसके बाद 2018 में जो घोषित किया गया है वो है नारी शक्ति। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Xiaomi पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च MI Pay ऐप, तो अभी अभी जो Xiaomi कंपनी है जिसके की आपके पास फोन आते हैं, जिसके की टीवी आते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं, मेनली वो जो है फोन बनाती है, तो उस कंपनी ने अभी अभी कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप की है और अपना MI Pay ऐप जो है वो लॉन्च किया है। तो MI Pay ऐप क्या है, जैसे कि आपने गूगल पे सुना होगा, फोन पे सुना होगा, ठीक है, तो इस तरीके से एक MI Pay ऐप है जो कि एक UPI बेस्ड सर्विस है, UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिससे कि हम लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं, वहां पर सिर्फ अपने आपको बैंक अकाउंट खाता लिंक करना होता है और डायरेक्टली आप जो है अपने फोन के साथ पेमेंट कर सकते हैं, आपको जो है कोई अलग से कैश निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं, तो इसी तरीके का एक MI Pay ऐप जो है Xiaomi ने अभी लॉन्च किया है, तो इसके लिए उसने ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासकर बैंकिंग वालों के लिए, ICICI बैंक जो है उसके साथ Xiaomi ने पार्टनरशिप करी है और इस MI Pay ऐप को जो है लॉन्च किया है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हेन इज बिहार डे सेलिब्रेटेड, बिहार डे कब मनाया जाता है? तो गाइस बिहार डे जो है हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और बिहार डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब इंडिया के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, 1922 की बात है, तो 22 मार्च 1922 को अंग्रेजों ने क्या किया था, बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया था, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए बिहार दिवस जो है मनाया जाता है। तो हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च को अंग्रेजों के शासन में जो है बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था, ठीक है। अब बिहार के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। पहली बात, बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना, सभी को पता है, ठीक है। बिहार के जो गवर्नर है वो है लालजी टंडन, ठीक है। और बिहार के जो सीएम है वो है नीतीश कुमार, वहां पे बीजेपी और जो नीतीश कुमार है उनकी पार्टी है जेडीयू, उसके बीच में गठबंधन है, कोएलिशन है, ठीक है। और उनकी गवर्नमेंट वहां पर है, जिसके की नेता जो है वो नीतीश कुमार चुने गए हैं, ठीक है। और जो सीट्स हैं अगर उसकी बात करें तो राज्यसभा में जो है 16 सीट्स हैं बिहार के अंदर, और जो है लोकसभा में 40 सीट हैं बिहार के अंदर, यानी कि टोटल जो है 56 सीट्स हैं बिहार के अंदर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे कह रहा है कि नेम ऑफ द फ्यूजिटिव हु हैज बीन अरेस्टेड इन लंदन रिसेंटली, हमें उस भगोड़े का नाम बताना है जिसको कि अभी अभी लंदन के अंदर जो है पकड़ा गया है। तो इनका नाम है नीरव मोदी, इनको जो है लंदन के अंदर अभी अभी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ये इंडिया से जो है एक फ्रॉड करके भाग गए थे। इन्होंने जो है पीएनबी के साथ 11,400 करोड़ का फ्रॉड किया था, इन्होंने जो है पीएनबी को 11,400 करोड़ का चूना लगाया है, ठीक है। और इनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फ्यूजिटिव यानी कि भगोड़ा जो है घोषित किया हुआ है, और ये भागकर गए थे लंदन इंग्लैंड के अंदर, और वहां पे इनको स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने जो है पकड़ लिया, और फिर जो है इनको लंदन कोर्ट में जो है पेश किया गया। वहां पे इनकी जो जमानत की अर्जी थी, ठीक है, जो इनकी बेल की जो इनकी अर्जी थी उसको जो है खारिज कर दिया गया, और अभी इस वक्त ये वहां पे जेल के अंदर है, ठीक है। तो जो है अब इनको कोशिश की जाएगी भारत में लाने की। तो जो इनका इसका जो सही जवाब है वो है नीरव मोदी, ठीक है, आप सबको याद रखना है। इन्होंने पीएनबी बैंक के साथ फ्रॉड किया, उसको 11,400 करोड़ का चूना लगाया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच कंट्री जस्ट चेंज द नेम ऑफ इट्स कैपिटल, अभी अभी कौन से देश ने अपनी राजधानी का नाम बदला है? तो इसका सही जवाब है कजाकिस्तान, जो है यहाँ पे होना चाहिए। इसका जवाब सिंगापुर नहीं है, तो इसको गलत मत समझना, इसका सही जवाब है कजाकिस्तान, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 30 साल से कजाकिस्तान के एक ही प्रेसिडेंट थे, वो लगातार 30 साल से कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने हुए थे, बट फाइनली अब उन्होंने जो है वहां से अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, अब वो जो है प्रेसिडेंट का पद छोड़ दिया है उन्होंने। तो उनका नाम है नूर सुल्तान, ठीक है। तो क्योंकि जो नूर सुल्तान है उन्होंने जो है वो 30 साल बाद ये पद छोड़ा है, तो उनको सम्मान देने के लिए जो वहां की कैपिटल है अस्ताना, कजाकिस्तान की जो पहले कैपिटल थी उसका नाम था अस्ताना, तो अस्ताना का जो नाम है वो नाम बदल दिया है, कैपिटल वही है, राजधानी वही है, बस उसका नाम बदल दिया है, अब उसका नया नाम होगा नूर सुल्तान, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। तो कजाकिस्तान की जो कैपिटल थी अस्ताना, उसका नाम बदल कर दिया है नूर सुल्तान, क्यों? क्योंकि वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, जो वहां के जो राष्ट्रपति थे, वो 30 साल बाद उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है, लगातार 30 साल से वो जो है राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड? तो इसका सही जवाब है 21 मार्च। 21 मार्च को इंटरनेशनल जो विश्व वन दिवस है वो मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो फॉरेस्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो महत्वपूर्णता है वो लोगों को बताने के लिए और इनका जो है संरक्षण करने के लिए जो है ये इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। इस साल जो इसकी थीम थी वो थी फॉरेस्ट एंड एजुकेशन, ठीक है, वन और शिक्षा जो है इस साल इसकी जो है थीम थी, और इसके ऊपर इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया गया था। तो ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, 21 मार्च को जो है विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो आई होप गाइज आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव फन। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और प्लीज जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, जय हिंद, बाय।